हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड स्टोरी अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स ऑफ ट्रेजर चेस्ट। आज हम ट्रेजर चेस्ट बुक की स्टोरी पढ़ेंगे, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, रिटन बाय सोमरसेट मॉगम। जो है इंग्लिश राइटर थे, नोन फॉर हिज प्लेज, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स इज अ डिलाइटफुल टेल ऑफ हाउ अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव एंड हाउ एन unassuming governess can take center stage and rise in position and prosperity। इसका ये मतलब है कि किसी की अपीयरेंस पे हमें नहीं जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे एक गवर्नेस जो है कैन टेक सेंटर स्टेज, मतलब वो जो है मेन पार्ट, मेन सेंटर कैरेक्टर बन जाती है स्टोरी का। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द गवर्नेस इज एन अनवांटेड गेस्ट, बट एज द स्टोरी मूव्स ऑन इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स द टेबल्स आर टर्न एंड द गवर्नेस ट्रिम्स। स्टोरी की लास्ट में जो है वो क्या हो जाती है, मेन पार्ट, मेन कैरेक्टर बन जाती है। दिस स्टोरी इज अ शार्प सोशल क्रिटिसिज्म ऑन हाउ ओफन पीपल आर जज्ड एंड वैल्यूड फॉर देयर पोजिशंस रादर देन द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ये एक सटायर इस चीज़ के ऊपर कि कैसे लोग जो है वो किसी को किसी पोजिशन, मतलब किसी की कौन कितना रिच है, कौन कितना पुअर है, इस बेस पे किसी को जो है वो उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उसके कैरेक्टर पर नहीं। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। मिस Robinson had always been poor. Miss Robinson जो है poor थी। When her father died, she had no money, उनके पास कोई पैसा नहीं था। She got a job at the house of Mrs. Livingstone. उन्होंने Mrs. Livingstone के घर में एक job कर ली। A rich woman with two young daughters. वो एक rich woman थी Mrs. Livingstone, उनकी दो बेटियाँ थीं। Miss Robinson's job was teaching Mrs. Livingstone's daughters at home. वो उनकी बेटियों को पढ़ाती थी। She was their governess, वो उनकी governess थी। मिस रॉबिन्सन लिव्ड इन द हाउस ऑफ मिसेस लिविंगस्टोन लाइक अ सर्वेंट, वो उनके घर में एक सर्वेंट की तरह रहती थी। बट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थी और बहुत पढ़ी लिखी भी थी। एंड समटाइम्स शी वॉज आस्ट टू डिनर वेन द लिविंगस्टोन्स हैड विजिटर्स, कभी कभी उनके साथ डिनर भी कर लेती थी जब उनके घर में कोई आते थे मेहमान। वन इवनिंग मिसेस लिविंगस्टोन इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर, शी आस्ट 14 पीपल। एक दिन मिसेस लिविंगस्टोन ने अपने फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाया, उन्होंने 14 लोगों को, 14 लोगों को बुलाया था। एट द लास्ट मोमेंट वन ऑफ द गेस्ट वॉज अनएबल टू कम, लास्ट मोमेंट पे उनमें से कोई एक गेस्ट जो है वो नहीं आ सका। मिसेस लिविंगस्टोन नाउ हैड 13 गेस्ट, अब मिसेस लिविंगस्टोन के पास कितने गेस्ट थे, 13। बट 13 इज एन अनलक्की नंबर एंड सो शी इन्वाइटेड मिस रॉबिन्सन, उनको लगा कि 13 जो है वो अनलक्की नंबर होता है, इसलिए उन्होंने मिस रॉबिन्सन को भी इन्वाइट कर लिया डिनर पे। द पीपल एट द डिनर वेयर ऑल रिच एंड इम्पॉर्टेंट, जो डिनर पे लोग आए थे सारे रिच थे। मिस रॉबिन्सन सैट क्वाइटली एंड डिड नॉट से एनीथिंग, मिस रॉबिन्सन वहाँ पे चुपचाप बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शी वॉज वियरिंग एन ओल्ड ड्रेस ऑफ मिसेस लिविंगस्टोन्स एंड शी लुक प्रिटी, उन्होंने मिसेस लिविंगस्टोन की पुरानी कपड़े पहने थे और सुंदर लग रहे थे। शी वॉज ऑल्सो वियरिंग ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उन्होंने मोतियों की माला भी पहनी हुई थी। वन ऑफ द गेस्ट एट द डिनर वॉज काउंट बोर्सेली, अ रिच एंड फेमस मैन, उन गेस्ट में काउंट बोर्सेली जो है रिच और फेमस मैन थे। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट पर्ल्स एंड डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स, उनको स्टोन्स के बारे में बहुत कुछ पता था। देयर वॉज अ यंग लेडी एट डिनर कॉल्ड मिस लिंगेट, शी ऑल्सो वॉज वियरिंग अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर पर्ल्स एंड शी आस्क्ड काउंट बोर्सेली टू लुक एट देम, वहाँ पे एक लेडी आई थी, उन्होंने भी एक माला पहनी हुई थी मोतियों की और उनको अपनी मोतियों की माला पे बहुत गर्व था, घमंड था। शी आस्क्ड काउंट बोर्सेली टू लुक एट देम, उन्होंने बोर्सेली से कहा कि तुम इस पे इसको देखो। दे आर क्वाइट नाइस पर्ल्स सेड द काउंट, काउंट ने कहा कि हाँ ये अच्छे हैं। दिस डिज नॉट प्लीज मिस लिंगेट, क्वाइट नाइस वॉज नॉट गुड इनफ फॉर हर, इससे वो खुश नहीं, उनको लगा कि उसने उनकी कम प्रेस की, उसको और प्रेस करनी चाहिए थी उस माला की। शी हैड वॉन्टेड द काउंट टू से वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, उनको लगा कि वो कहेंगे बहुत 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 अच्छी है ये। दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कॉस्ट 8,000 pounds, सेड मिस लिंगेट, मिस लिंगेट ने कहा कि ये जो मोतियों की माला है ये 8,000 pounds की है। येस दैट इज़ द करेक्ट प्राइज, सेड काउंट बोर्सेली, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है इसका प्राइस। ही स्पोक इन एन ऑर्डिनरी वॉयस बट मिस लिंगेट अंडरस्टूड, मिस लिंगेट समझ गई। द काउंट डिड नॉट थिंक दैट 8,000 pounds वॉज ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि काउंट को लगा कि कोई 8,000 pounds जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। एट दैट मोमेंट काउंट बोर्सेली पॉइंटेड टू मिस रॉबिन्सन, उसी समय काउंट बोर्सेली जो ने जो है मिसेस रॉबिन्सन, मिस रॉबिन्सन की तरफ देखा। दैट इज़ अ वेरी नाइस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ही सेड, उन्होंने कहा कि ये तो माला बहुत अच्छी है मोतियों की। मिस रॉबिन्सन पर्ल्स, सेड मिस लिंगेट, मिस लिंगेट ने कहा क्या मिस रॉबिन्सन के मोती,
बट शी इज मिस लिविंगस्टोन्स गवर्नेस, लेकिन वो तो मिसेस लिविंगस्टोन की गवर्नेस है। मिस लिंगेट वॉज नाउ एंग्री, अब मिस लिंगेट जो है वो एंग्री हो गई। गवर्नेस वेयर नॉट रिच पीपल, ए गवर्नेस डिड नॉट वेयर ए वैल्यूएबल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसने कहा कि गवर्नेस जो है वो कोई रिच नहीं है, वो महंगी मोतियों की माला नहीं पहन सकती। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेस, रिप्लाइड द काउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्ल्स, काउंट ने कहा कि हम गवर्नेस के बारे में नहीं, हम मोतियों की माला के बारे में, मोतियों के बारे में बात कर रहे हैं। दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज वर्थ मोर देन 50,000 pounds, उन्होंने कहा कि जो माला है ये 50,000 pounds से भी ज़्यादा की है। मिस लिंगेट वॉज सरप्राइज एंड एंग्री, मिस लिंगेट जो है वो बहुत सरप्राइज हो गई और गुस्से भी हो गई, गुस्सा हो गई। शी डिड नॉट बिलीव काउंट बॉर्सेली, उन्होंने काउंट बॉर्सेली पे जो है वो विश्वास नहीं किया। ही वॉज मिस्टेकन, गवर्नेस डिड नॉट वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स वर्थ मोर देन 50,000 pounds, उन्होंने कहा कि कोई भी गवर्नेस ऐसी माला नहीं पहन सकती जिसके मोती 50,000 pounds से भी ज़्यादा के हों। मिस रॉबिन्सन शी सेड इन अ लाउड वॉइस, डू यू नो दैट यू आर वेयरिंग ए वेरी वैल्यूएबल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उन्होंने कहा मिस रॉबिन्सन क्या आपको पता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, मतलब बहुत कीमती माला है ये। एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, दे ऑल लिसन टू मिस रॉबिन्सन्स रिप्लाई, सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और सब लोग उन मिस रॉबिन्सन की रिप्लाई की वेट करने लगे। आई पेड 15 shillings फॉर दीज बीट्स, सेड मिस रॉबिन्सन क्वाइटली, मिस रॉबिन्सन ने कहा मैंने तो इनको केवल 15 shillings में खरीदा है। मिस लिंगेट लाफ्ड, मिस लिंगेट हंसी, आई न्यू दैट काउंट बॉर्सेली वॉज रॉन्ग, मुझे पता है कि काउंट बॉर्सेली जो है वो गलत हैं। शी सेड ही सेज दैट योर पर्ल्स आर वर्थ 50,000 pounds, उन्होंने वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माला जो है ये 50,000 pounds से भी ज़्यादा की है। नाउ एवरीवन इन द रूम वॉज साइलेंट, 50,000 pounds और गवर्नेस विद अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्थ 50,000 pounds, सब लोग सोचने लगे कि एक गवर्नेस के पास 50,000 pounds से भी ज़्यादा की माला कैसे हो सकती है। दैट वॉज नॉट पॉसिबल, अ वीमन विद 50,000 pounds वॉज अ वेरी रिच वीमन, जिसके पास 50,000 pounds की माला होगी वो तो बहुत अमीर होगी। बट आई बॉट दीज बीट्स फॉर 15 shillings, सेड मिस रॉबिन्सन अगेन, काउंट बॉर्सेली मेड ए मिस्टेक, मिस रॉबिन्सन ने कहा कि पर मैंने तो इसको 15 shillings के लिए है, काउंट बॉर्सेली से कुछ गलती हुई है। आई डू नॉट मेक मिस्टेक, सेड द काउंट क्वाइटली, काउंट ने कहा कि मैं कभी भी गलती नहीं करता। आई नो द वैल्यू ऑफ पर्ल्स, मुझे मोतियों की कीमत पता है। एट दैट मोमेंट समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, उसी समय कुछ अजीब सा हुआ। अ सर्वेंट केम अप टू द टेबल एंड स्पोक क्वाइटली टू मिस रॉबिन्सन, एक सर्वेंट जो है वो आया टेबल के पास और मिस रॉबिन्सन से धीरे से कुछ कहा उसने। द गवर्नेस लुक्ड सरप्राइज एंड हर फेस वेंट वाइट, गवर्नेस जो है वो बहुत सरप्राइज हो गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक्सक्यूज मी मिसेस लिविंगस्टोन शी सेड, उन्होंने कहा मिस लिविंगस्टोन एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करिए, आई मस्ट लीव द टेबल, मुझे टेबल छोड़ के जाना होगा। टू मैन आर वेटिंग इन द हॉल, दे वॉन्ट टू स्पीक टू मी, दो आदमी जो है हॉल में वेट कर रहे हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मिस रॉबिन्सन गॉट अप एंड लेफ्ट द टेबल, व्हेन शी वॉज आउट ऑफ द रूम एवरीवन बिगेन टू टॉक एक्साइटेडली, मिसेस रॉबिन्सन जो है वो चली गई बाहर। जैसे वो बाहर गई सभी लोग जो है बहुत तेजी से उनके बारे में बातें करने लगे। शी इज़ अ थीप, सेड समवन, किसी ने कहा वो एक चोर है। द टू मैन आर पुलिसमैन, मिस रॉबिन्सन हैज स्टोलन द पर्ल्स, शी विल गो टू द प्रिजन, किसी ने कहा कि जो बाहर जो दो लोग आए पुलिसमैन है और उसने लगता है माला चोरी की है और वो जेल में जाएगी। अ थीफ इन माई हाउस, क्राइड मिसेज लिविंगस्टोन, मिसेज लिविंगस्टोन जो है चिल्लाई एक चोर मेरे घर में। हाउ टेरिबल, वॉट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट हैज़ शी बीन टीचिंग माई डॉटर, सो मेरी बेटियों को क्या सिखा रही होगी। एवरीवन स्टार्टेड टू टॉक एट द सेम टाइम, सडनली देयर वॉज साइलेंस, जल्दी ही वहाँ पर साइलेंस हो गया। मिस रॉबिन्सन हैड कम बैक इन टू द रूम, मिस रॉबिन्सन रूम में आ गई। शी लुकड मच हैप्पियर, वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शी डिड नॉट लुक लाइक ए थीफ, वो एक चोर की तरह नहीं दिखाई दे रही थी। मिस रॉबिन्सन वॉज नॉट वेयरिंग हर पर्ल्स, इंस्टेड शी हैड ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन हर हैंड, मिस रॉबिन्सन ने जो है माला पहनी नहीं हुई थी, उनके हाथ में वो माला थी। शी सेट डाउन एट द टेबल एंड पास द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ओवर टू काउंट बॉर्सेली, वो टेबल पे आई और उस माला को काउंट बॉर्सेली को दिया। हाउ मच आर दीज पर्ल्स वर्थ, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा आप बताइए ये माला कितने की है। काउंट बॉर्सेली लुक्ड एट द पर्ल्स फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, 15 shillings ही सेड, काउंट बॉर्सेली ने उसको देखा और उसने कहा 15 shillings की है। दैट इज करेक्ट, रिप्लाइड मिस रॉबिन्सन, मिस रॉबिन्सन ने कहा हाँ आप सही है, माई बीट्स वेयर ब्रोकन, मेरी माला जो है टूट गई थी। एंड आई टुक देम टू अ शॉप फॉर फ्यू डेज, टू अ शॉप अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले मैं उसको एक दुकान पे लेके गई थी। व्हेन आई वेंट टू गेट देम देयर वॉज ए मिस्टेक, जब मैं उनको लेने गई तो एक गलती हो गई। द शॉप गेव मी द रॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दुकानदार ने मुझे गलत माला दे दी। दैट द अदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वॉज वर्थ 50,000 pounds,
जो माला उसने मुझे दी वो 50,000 पाउंड की थी। Everyone laughed, सभी लोग हंसने लगे। It had all been a mistake, ये mistake थी। The men from the shop were very pleased to get the pearls back, said Miss Robinson. Miss Robinson से कहा कि शॉप में से जो आदमी आए थे वो अपनी माला पाकर बहुत खुश थे। They have given me a present of 300 pounds, उन्होंने मुझे 300 पाउंड का जो है वो एक प्रेजेंट दिया हुआ है, मतलब उन्होंने उनको खुश होकर 300 पाउंड दे दिए। अगेन एवरीवन टॉक्ड एट द सेम टाइम। 300 पाउंड वाज अ लॉट ऑफ मनी फॉर गवर्नेस, एक गवर्नेस के लिए 300 पाउंड जो है वो बहुत होते हैं। मिसेस लिविंगस्टोन स्टॉप्ड एवरीवन टॉकिंग। मिसेस लिविंगस्टोन ने सबको चुप करवाया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द 300 पाउंड, शी आस्क्ड लाउडली, उन्होंने पूछा तेजी से कि तुम अब इसका क्या करोगी। बट शी डिड नॉट वेट फॉर रिप्लाई, उन्होंने इसके रिप्लाई का वेट भी नहीं किया और खुद ही आंसर देने लगी। यू मस्ट पुट द मनी इन अ बैंक, तुम इन पैसों को बैंक में रखोगी। शी सेड यू मस्ट कीप इट सेफली, यू मे नीड इट वन डे, तुम्हें इसको बैंक में सेफली रख देना चाहिए, इसकी तुम्हें कभी जरूरत पड़ सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू पुट द मनी इन अ बैंक, रिप्लाइड मिस रॉबिन्सन प्राउडली। मिस रॉबिन्सन ने कहा नहीं, मैं इसको बैंक में नहीं रखूंगी। ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर हैड अ हॉलीडे, मेरी पूरी लाइफ में कभी मुझे छुट्टी नहीं मिली। नाउ आई एम गोइंग टू द साउथ ऑफ फ्रांस, मैं अब साउथ ऑफ फ्रांस जाऊंगी। मिसेस लिविंगस्टोन लुक्ड एट हर एंग्रीली, उन्होंने उसकी तरफ, मिसेस लिविंगस्टोन ने उनकी तरफ बहुत गुस्से से देखा। गवर्नेस वॉज अ सर्वेंट, सर्वेंट्स डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे टू द साउथ ऑफ फ्रांस, उन्होंने कहा कि जो सर्वेंट होते हैं वो छुट्टियों पर नहीं जाते। एंड ऑल्सो गवर्नेस एक्सेप्टेड द एडवाइस ऑफ देयर मास्टर्स एंड मिस्ट्रेसेस, और जो गवर्नेस होती है वो अपने मालिक का कहना मानती है। यू कैन लीव एट द एंड ऑफ द मंथ, शी सैड मिसेज लिविंगस्टोन। मिसेज लिविंगस्टोन ने गुस्से वाली आवाज़ में कहा कि तुम महीने के अंत में जा सकती हो, बट यू नीड नॉट कम बैक अगेन, देयर विल बी नो जॉब फॉर यू हेयर, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं रहेगी। आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक हेयर, रिप्लाइड मिस रॉबिन्सन। मिस रॉबिन्सन ने कहा मैं यहाँ वापस आना भी नहीं चाहती। एंड शी गॉट अप क्वाइटली एंड लेफ्ट द रूम, वो उठी और उन्होंने कमरे से बाहर चली गई। एट द एंड ऑफ द मंथ मिस रॉबिन्सन वेंट ऑन ए हॉलीडे टू द साउथ ऑफ फ्रांस, महीने के अंत में मिस रॉबिन्सन जो है वो हॉलीडे पर चलेंगी साउथ ऑफ फ्रांस में। Mrs. Livingstone was not pleased. Mrs. Livingstone खुश नहीं थी। She hoped to hear bad news about Miss Robinson. उनको जो है ये लगता था कि मैं मिस रॉबिन्सन के बारे में कोई बैड न्यूज़ सुनूं। 6 months later, Mrs. Livingstone gave another dinner. 6 महीने के बाद Mrs. Livingstone ने दूसरी डिनर पार्टी दी। Miss Lingate, Count Borsali and other friends were there. उस पार्टी में वही पुराने फ्रेंड्स थे जो आए थे, लिंगेट, काउंट बोर्सेली सारे। दे ऑल रिमेंबर्ड मिस रॉबिन्सन, समवन स्टार्टेड टू टॉक अबाउट हर, वे सारे जो है वो मिस रॉबिन्सन को याद कर रहे थे, किसी ने उसके बारे में बात करना शुरू किया। मिस रॉबिन्सन विल नेवर कम बैक हेयर अगेन, सेड मिसेस लिविंगस्टोन इन अ लाउड वॉइस। मिसेस लिविंगस्टोन ने एक ऊंची आवाज़ में कहा कि मिस रॉबिन्सन जो है वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। मिस रॉबिन्सन विल नॉट वॉन्ट टू कम बैक, सेड काउंट बोर्सेली। हैव नॉट यू हर्ड द न्यूज़, काउंट बोर्सेली ने कहा कि मिस रॉबिन्सन जो है वो यहाँ कभी भी आना नहीं चाहेंगे, क्या तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी। व्हाट न्यूज़, समवन आस्क्ड एक्साइटेडली, सभी लोग एक्साइटेडली से कहने लगे कौन सी न्यूज़। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, रिप्लाइड द काउंट। काउंट ने उत्तर दिया कि मैं अभी साउथ ऑफ फ्रांस से आई हूँ। एवरीवन देयर इज टॉकिंग अबाउट मिस रॉबिन्सन, वहाँ पे सारे मिस रॉबिन्सन के बारे में बात कर रहे थे। बट दैट इज़ नॉट हर नेम नाउ, लेकिन अब वो उनका ये नेम नहीं है। शी इज़ अ काउंटेस, अब वो काउंटेस हैं। शी मेट अ काउंट इन हर होटल एंड मैरिड हिम सून आफ्टरवर्ड्स, वो एक काउंट से मिली होटल में और उससे शादी कर ली। द काउंट इज़ अ मिलियनेयर एंड शी नाउ लिव्स विद हिम इन पेरिस, वो काउंट जो है मिलियनेयर है और अब वो उसके साथ पेरिस में रहती हैं। शी विल नेवर वर्क एज ए गवर्नेस अगेन, वो अब कभी भी एक गवर्नेस की तरह काम नहीं करेंगे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ ए मिस्टेक, और ये सब कैसे हुआ, क्योंकि उनसे वो मिस्टेक हो गई थी। सैड मिस लिंगेट, अ चीप स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हैज मेड हर अ काउंटेस एंड अ मिलियनेयर, एक सस्ती सी माला ने उनको देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। इसमें बताया गया है कि किसी को किसी के अपीयरेंस से हमें जो है वो नहीं पहचानना चाहिए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उससे उसको हमें पहचानना चाहिए। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।